हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से और खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ, जो कि शाही पुल जौनपुर और उसके हिस्ट्री के बारे में है। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और वीडियो का लुत्फ लें। जौनपुर शहर को दो भागों में बांटने वाली गोमती नदी पर बने ऐतिहासिक शाही पुल अकबर बादशाह के कहने पर सन 1564 को मोइन खान खाना ने शुरू करवाया था, जो कि 1567 को बन के पूरा हुआ। इसको डिज़ाइन किया था ईरान के अफजल अली ने। यह तकरीबन जौनपुर भंडारी स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यह शाही पुल भारत का एक अलग किस्म का अनूठा पुल है। इसका मेन रोड जमीन के सतह पर बनी है, जो कि दूसरा कोई पुल ऐसा नहीं बना होगा। पुल की चौड़ाई 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच की रेलिंग है और पुल के दोनों तरफ दुकान की साइज़ की गोमटियाँ बनी है, जिस पर पहले इन गोमटियों में दुकानें लगती थी, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल पाता था कि हम किसी नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रहे हैं। शाही पुल के बीच में चौबुतरे पर बना एक बड़ा शेर की मूर्ति है, जो अपने अगले दोनों पंजों पर हाथी के पीठ पर सवार है। और सामने ही एक खूबसूरत शाही मस्जिद है, इसी पुल पर बनी है। और ये सामने दाना चुगते हुए कबूतर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और ये है शाही पुल का पूरा व्यू। कहा जाता है एक बार अकबर बादशाह जौनपुर आए और शाही किले में ही रुके। इसी दौरान वह गोमती नदी में नाव से घूमने गए, तो वहां देखा कि एक औरत चादर में मुंह छिपाकर रो रही थी। जब उससे रोने का कारण पूछा गया तो उसने बताया वो गोमती के उस पार से सूत बेचने के लिए आई है, लेकिन शाम हो जाने के कारण नाव वाला चला गया और वो अपने 2 छोटे बच्चे को घर छोड़कर आई थी, जो अकेले होंगे, यही सोचकर मैं रो रही हूँ। बादशाह अकबर ने तुरंत उसे नाव पर बिठा के गोमती के उस पार पहुँचवा दिया और मुनीम खान खाना को हुक्म दिया कि यहाँ गोमती नदी पर एक पुल बनाया जाए, जो जौनपुर को इस पार से उस पार जोड़े और पुल ऐसा मजबूत बने जो हमेशा के लिए हो। लेकिन शाही पुल के को बनाना आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त के जानकारों का कहना था कि यहाँ गहराई बहुत ही ज़्यादा है और पानी भी बहुत ही रहता है, जिसकी गहराई किसी को मालूम नहीं है। लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए यह तय किया गया कि गोमती का रुख मोड़ना होगा और सबसे पहले 5 ताख का दक्षिणी पुल बना के गोमती का रुख मोड़ दिया गया। इस पुल को बनाने में पत्थर, सीसा और लोहे की सह तीरों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। पुल की हालात मजबूती की नज़र से तो बढ़िया है, लेकिन देख रेख की कमियां महसूस की जा सकती है। जगह जगह पीपल और तरह तरह के पेड़ निकल आए हैं और रोड के खम्भे को लगाते समय इसकी खूबसूरती खराब ना हो, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और साफ सफाई का ध्यान भी उतना अच्छा नहीं है, जो कि यह पुल भारत का सबसे यूनिक पुल होगा, जहां दोनों तरफ मार्केट है। इस जगह को बढ़िया बना के टूरिस्ट और शहर वासियों को इस पुल को करीब से देखने लायक बना देना चाहिए था। यह दुनिया का पहला पुल है जिसकी सतह शहर के रोड के लेवल की है। उसके बाद एक पुल 1810 में लंदन में बना, जिसे वाटरलू के नाम से जाना जाता है। इस पुल को, शाही पुल को बनाने में 3 से 4 साल लगे। उस समय के लगभग 30 लाख रुपए लगे थे। ये शाही पुल इतना मजबूत है कि अब तक बहुत सी बाढ़ झेल चुका है, लेकिन इसकी मजबूती पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस पुल ने 1844, 1864, 1871, 1903, 1936, 1982 ईस्वी की बाढ़ को झेला है। हर दिन शहर की ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है और शहर को दोनों पार्ट को यही पुल जोड़ता है, जहां हमेशा ट्रैफिक लगी रहती है, फिर भी इसकी मजबूती पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के टाइम में इस पुल पर उगे पेड़ पौधे को साफ करने की ज़रूरत है, इसकी सफाई हो तो आज भी यह पुल जौनपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। गोमती नदी का पानी भी थोड़ा अब गंदा रहता है, तो इसको भी साफ करने की ज़रूरत है। तो जो शहर की जो नाली और ये सब इस नदी में गिरते हैं, तो उसे रोकने की ज़रूरत है, तो ये पानी साफ़ हो सकता है। और जो भी कचड़े डाले जाते हैं उसको नहीं डालना चाहिए,
क्योंकि जौनपुर शहर की खूबसूरती है गोमती नदी और ये शाही पुल, तो इसको शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये ऐसे पुल हमेशा नहीं बनते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के लेवल से है। आप इस पुल पर जाएंगे तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप ज़मीन से किसी नदी के पुल पर चढ़ रहे हैं। एक लेवल का है, ना कोई झटका लगेगा ना कुछ भी नहीं लगेगा। तो कभी कभी जब दुकानें लगती थी तो आप ध्यान नहीं देंगे तो सीधे चले जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं गोमती नदी के शाही पुल से गुजर रहा हूँ। अभी तो फ़िलहाल दुकानें इतनी नहीं लगती, सिर्फ ठंड के टाइम थोड़ा बहुत लगती है। पहले तो पूरी पूरी दुकान जो गोमटियाँ बनी है शाही पुल पर, उसमें परमानेंट दुकानें बनी होती थी। तो लोग मतलब जो भी बाहर के आते थे, जिसको पता नहीं होता था, तो वो सीधे चला जाता था, तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो नदी के ऊपर किसी पुल से गुजर रहा है। तो इसको ध्यान में देना चाहिए। एक ये शाही पुल हिंदुस्तान का क्या पूरे वर्ल्ड में यूनिक पुल है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नई नई चीज़ें, बहुत सी नई चीज़ें बताई गई हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स पर जाके ज़रूर बताएं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।